इस वक्त मैं मौजूद हूँ पार्क मार्केट हीरापुर में, और आपको बता दूँ कि ठीक उसके एटीएम के सामने में मौजूद हूँ। और ये वही एटीएम है जो कि यहाँ पर लोगों के लिए लाइफलाइन या व्यवसायियों के लिए लाइफलाइन कहा जाता है। लेकिन आपको बता दें कि ये लाइफलाइन जो है महीने में 20 दिन खराब रहता है, 10 दिन काम करता है, लेकिन फिलहाल 2 महीने से ही पूरी तरीके से बंद है। शटर हम देख रहे हैं आधा है, इसमें एक बार आग भी लग चुकी थी और उसके बाद से ये पूरी तरीके से बंद है। इन लोगों ने बताया है कि कई बार उसके बारे में कंप्लेन भी किया गया लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया है। आइए जो आसपास में जो व्यवसायी वर्ग है उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि एटीएम खराब होने की वजह से क्या परेशानी होती है, क्योंकि आज के रेट में लोग जो है वो कैश घर से लेकर नहीं निकलते, एटीएम कैरी करते हैं, और कई बार जब ऑनलाइन पेमेंट काम नहीं करता है तो ऐसे में उन्हें एटीएम का सहारा लेना पड़ता है। आइए हम जानते हैं जो यहाँ पर गार्ड मौजूद है उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि कब से ये मशीन खराब है, आम पब्लिक जो है उनको क्या परेशानी हो रही है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। अब देखिए कि कब से ये मशीन खराब है। नहीं मैम, हमारा तो यहाँ पे अभी हाल फिलहाल ही ट्रांसफर हुआ है, इसके बारे में उतना हमको जानकारी है नहीं बस। तो अभी ये जानकारी दिया गया है कि मशीन खराब है, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन है कि कब तक बनी? नहीं, ये तो इन्फॉर्मेशन है कि मशीन लगेगा, आप कब तक लगेगा सर ये हम लोगों को मालूम नहीं है। आप अपनी ड्यूटी पे बस आते हैं जी। आप बताइए कि क्या परेशानी हो रही है यहाँ आसपास के जो दुकानदार हैं? 1.5-2 महीना से प्रॉब्लम ज़्यादा है, पहले भी रहता था 10 दिन ठीक रहती थी, 20 दिन मशीन खराब रहती थी, और अब तो ये 1.5-2 महीना से पूरी खराब है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। ये पॉश इलाका में मेन मार्केट इलाका ही है, मार्केट इलाके की मेन मशीन ही है, और ये अगर खराब रहेगी तो पब्लिक को तो परेशानी है ही है। तो बैंक के अधिकारी सब कान में तेल डाल के सोए हुए हैं, उनको इन्फॉर्मेशन भी अगल बगल के दुकानदारों ने भी दिया है कि भाई ग्राहक हमारे यहाँ आते हैं सामान लेते, बोलते भाई एटीएम से पैसा निकालते हैं तो एटीएम खराब रहती है, चल जाते हैं बिना सामान लिए, तो इससे तो मार्केट भी खराब हो रहा है। आई और भी हाँ, बैंक का कम से कम ध्यान देना चाहिए, बैंकों की मेन इलाका में है। आप देखिए कि कहाँ पे आपका शॉप है और आपको क्या परेशानी? हमारा शॉप एटीएम के जस्ट बगल में ही है। ग्राहक होता क्या है ना, सामान ले लेते हैं, बोले ठीक है एटीएम से पैसा हम निकाल के आ रहा है, मालूम पड़ा एटीएम में पैसा ही नहीं है, ग्राहक सीधे रास्ता चलते बनता है, फिर कैसे हम हमारे मुंह दिखाने के लिए आए? हम लोग तो एटीएम से परेशान है, इससे बढ़िया एटीएम को हटा दे तो ज़्यादा अच्छा है, हम लोग निश्चिंत हो चले एटीएम है ही नहीं तो पैसा कहाँ जाएगा, एटीएम रहते हुए हम लोग को रोना रोना हो पा रहा, तो फायदा क्या है एटीएम रखकर? इसके बारे में आप लोगों ने कंप्लेन किया नहीं किया? बताया, यहाँ कर्मचारी लोग तो आते हैं बताते भाई प्रॉब्लम है, बोला ठीक है हो जाएगा, लेकिन कब होगा ऐसा कोई माए बाप नहीं है, सरकारी काम कोई सुनने वाला ही नहीं है, कितना पूजा का समय, सामने फेस्टिवल है, लेकिन कोई अधिकारी को ये कान में तो मैंने जू तक नहीं रेंग रहा है कि यहाँ एटीएम में पैसा डलवाए तो ग्राहक को या दुकानदार को फायदा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कस्टमर्स क्योंकि आपकी दुकान भी बगल में है, कस्टमर्स यहाँ पर आते क्या बोलकर निकलते हैं? समस्या यही बोलता है कि कस्टमर की यहाँ पे कोई भी फेस्टिवल में एटीएम बंद रहता है, सड़क गिरा हुआ रहता है, और नॉर्मल कभी भी इसमें साल में 9 महीना एटीएम बंद रहता है, कभी भी इससे से चलता नहीं है, और अभी 1.5-2 महीना से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, इससे गार्ड को भी परेशानी है, गार्ड को भी जो कंज्यूमर लोग आते हैं गार्ड को उल्टा पुल्टा बोल के चल जाते हैं, और हम लोग के साथ यहाँ जो लोकल दुकानदार आसपास में जितने भी हैं उस सबको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कोई भी कस्टमर आता है सबको फ़ोन पे चलाने नहीं आता है, कोई भी आता है गार्ड साहब पैसा निकाल दीजिए हम मार्केटिंग करेंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सुविधा नहीं है, और आने दिन मतलब कि अगर पहले भी ठीक था तो महीना में 10 दिन चलता था, 20 दिन एटीएम बंद रहता था, यही परेशानी का सामना करना पड़ा हम लोग को। बताया जाए कि व्यवसायियों को क्या परेशानी हो रही है, फिर कस्टमर्स का क्या फीडबैक आपको सुनने को मिलता है जब एटीएम नहीं काम करती है? एटीएम जब काम नहीं करता तो हम लोग का सेल मार खा जाता है, हम लोग को दिक्कत ये होता है, कस्टमर सामान परचेज कर लेता है, सामान परचेज करने के बाद में फिर एटीएम की तरफ जाता है, वहाँ देखता है कि उसका शट डाउन है, तो उसकी वजह से क्या है फिर वो सामान भी छोड़ के चला जाता है, तो हम लोग को डबल हरासमेंट हो जाता है, ये सब प्रॉब्लम आता है। एटीएम का बराबर क्या है कि आए दिन इसका शटर गिरा ही रहता है, कभी आदमी को डिपॉजिट जैसे लोगों ने बताया कि कंप्लेन भी किया गया, क्या लगता है कि सुनवाई होनी चाहिए, कब तक होनी चाहिए? नहीं, सुनवाई तो यथाशीघ्र होना चाहिए, क्योंकि अभी सामने त्यौहार का सीज़न है, तो जितना जल्दी से जल्दी सुनवाई हो सके वो ज़्यादा बेटर होगा, है कि नहीं? यही सब बातें हैं, एटीएम को लेकर परेशानी ज़्यादा बढ़ गई हम लोग को, व्यवसाय लोग को। स्टेट बैंक का एटीएम है सामने में, हम लोग हीरापुर पार्क मार्केट के सामने, ये एटीएम मैंने महीना में अगर 25-20 दिन खराब ही रहता है। क्या परेशानी आप लोगों को होती है? परेशानी हम लोग को दुकानदार लोग कस्टमर को दिक्कत होती है, पैसा देने में दिक्कत होती है, पैसा लेने में उनको निकालने में दिक्कत होती है, यहाँ पे हम लोग का जैसे नेट कभी पकड़ता है कभी नहीं पकड़ता है, उसमें दिक्कत है, हम लोग का तो कस्टमर लौट जाता है ना, कस्टमर ये हमेशा बढ़िया से रहना चाहिए एटीएम।
तो बिल्कुल आपने साफ तौर पर सुना कि जो आसपास के जो व्यवसायी वर्ग हैं उन लोगों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है। सबका यही कहना है कि ये एटीएम मशीन जो है वो हमेशा से ख़राब ही रहती है, महीने में 20 दिन ख़राब रहती है तो 10 दिन चलती है, लेकिन फिलहाल ये पिछले 2 महीने से पूरी तरीके से बंद है। इन्होंने बताया कि जो गार्ड है वो बैठे रहते हैं, कस्टमर्स आते हैं जब वो एटीएम से पैसा निकालने जाते हैं तो एटीएम काम नहीं करती, ऐसे में वो काफ़ी अग्रेसिव भी हो जाते हैं, जो गार्ड है उनको भी चार बात सुना के जाते हैं, और साथ ही साथ इनकी जो दुकानदारी उस पर भी सीधा इसका असर होता है, क्योंकि जब पैसे नहीं निकलते तो वो सीधा यहाँ से चले जाते हैं और किसी दूसरे शॉप में जहाँ एटीएम आसपास हो वहाँ जाते हैं। तो इन लोगों का साफ तौर पर कहना है, क्योंकि दुर्गा पूजा का समय है और ऐसे में जो है सीधे तौर पर इनके व्यवसाय पर इसका असर हो रहा है, इनकी व्यवसाय पर इस एटीएम की वजह से सीधा नुकसान देखने को मिल रहा है। इन लोगों ने बताया कि कई बार इसको लेकर कंप्लेन भी किया गया, लेकिन अब तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इन लोगों ने उम्मीद जताई कि जल्द से जल्द इस पर एक्शन लिया जाए, ताकि इन व्यवसायियों के साथ जो कस्टमर आते हैं उनको भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। फिलहाल इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। अपने सहयोगी संतोष के साथ शाम भवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।